धार जिले के नालछा में कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर जो सरकार के द्वारा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं और जो कांग्रेस की सरकार शिवराज और उसकी पार्टी ने गिराई है, वह भी ऐसे समय में जब पूरा प्रदेश कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा था। ऐसे समय सरकार गिराई, इसलिए कांग्रेस पार्टी द्वारा हाथों में काली पट्टी बांधकर आज काले दिवस के रूप में मनाया गया और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा सरकार के विरोध में नारे लगाए गए। इस विरोध में कांग्रेसी विधायक पांचीलाल मेड़ा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश फौजदार, विनोद इंदुरकर, संदीप ग्वाल, लकी सेन, संदीप पवार, मनीष कामदार और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नालछा से विनीत यादव की रिपोर्ट। आज इस संबंध में आपने प्रदर्शन किया है? आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के आह्वान पर, आदरणीय राहुल जी और सोनिया जी के आह्वान पर, आज जो केंद्र सरकार ने डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं और जो कांग्रेस की सरकार शिवराज जी ने उनके लोगों ने गिराई, उसके 100 दिन पूरे होने के बाद आज जो पूरा प्रदेश इस संकट के समय घातक बीमारी से निपट रहा है और ऐसे समय हमारी कांग्रेस की सरकार को, आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार को, शिवराज जी और उनके लोगों ने जो गिराई है, अच्छे 15 साल के बाद में कांग्रेस की सरकार, आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार बनी थी और बहुत अच्छे से किसानों का कर्ज माफ़ किया और सरकारी योजनाओं का बहुत काम अच्छे से चल रहा था। ऐसे समय इन्होंने सरकार गिरा करके जो आज लोग परेशान हैं, किसान परेशान, मजदूर परेशान, बेरोजगार परेशान, और केंद्र में प्रधानमंत्री ने भी ऐसे संकट के समय जो कि पूरे देशवासियों की मदद करना था, मदद करने के बजाय इन्होंने पेट्रोल डीजल के दामों बढ़ा करके किसानों का गला घोटा है, अन्य आम पब्लिक का गला घोटा है। क्योंकि अभी लोग परेशान हैं, 3-4 महीने से लोग काम धंधे नहीं कर रहे, व्यवसाय बंद है और ऐसे समय इन्होंने जो डीजल पेट्रोल का दाम 1 महीने में 26 बार बढ़ाया, ये इनको सर मानना चाहिए। केंद्र सरकार के जो भी मंत्री है, प्रधानमंत्री है, इनको उन्होंने और प्रदेश की सरकार में भी, यहाँ जो शिवराज जी है, इन्होंने भी जो पेट्रोल दाम बढ़ाने में केंद्र की मदद सहयोग किया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।